स्टूडेंट्स हम देखेंगे रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ हेलोजन रिलेटिव रिएक्टिविटी देखेंगे की एज ऑक्सीडेंट्स 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 क्या होते हैं हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को ही हम ऑक्सीडेंट्स भी कहते हैं ठीक है थीके? हम यहाँ पर ओ एक्स ऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडाइजिंग के लिए सक, ले सकते हैं और एजेंट ठीक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को कहते हैं अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं जिस तरह से नाम से लग रहा है कि ऐसे एजेंट्स या ऐसी जो कि क्या करें कि ऑक्सीडाइज करें ठीक है करे, यानी कि ये ऑक्सीडाइज करते हैं दूसरों को ऑक्सीडाइज दर्स ठीक है यहां पर हम लिखेंगे ऑक्सीडाइज अदर्स और खुद क्या हो जाते हैं खुद रिड्यूस हो जाते हैं ठीक है यानी कि दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स छीन के अपने अंदर इंक्लूड कर लेते हैं तो खुद तो रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर इंक्लूड कर ले उन्होंने यानी कि गेन कर लिए हैं और दूसरे के छीने हैं यानी कि दूसरे के ले लिए हैं उसको लूज करने में मजबूर किया है तो उसको ऑक्सीडाइज किया इन्होंने ठीक है ना और हेलोजेंस यहाँ पर अगर हम हेलोजेंस को भी साथ ही देख लें कि ये हमारे पास आ जाते हैं फ्लोरिन देन क्लोरिन देन ब्रोमीन एन आयोडीन ठीक है एस्टिडीन भी होता है लेकिन एस्टिटी को हम यहाँ पर मेंशन नहीं करते और ना और ना ही इसको हम डिस्कस करेंगे किस वजह से क्योंकि हम देखते हैं कि एस्टिडीन जो है वो हमारे पास रेडियो एक्टिव आ जाता है रेडियशन एमिट करता है और वो जो रेडिएशन एमिट करने के बाद वो किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है तो वो स्टेबल ही नहीं है तो इस वजह से हम उसको डिस्कस ही नहीं करेंगे यहाँ पे हमारे पास स्टेबल हेलोजेंस आ गए अब हेलोजेंस यहाँ पर ये यह एग्जिस्ट किस तरह से कर रहे होते हैं ये डायटोमिक फॉर्म में कर रहे होते हैं यानी कि फ्लोरीन का डायटोमिक मॉलिक्यूल क्लोरीन का डायटोमिक मॉलिक्यूल ब्रोमीन का भी इसी तरीके से और आयोडीन का भी इसी तरीके से ठीक है फिर हमें पता है कि फ्लोरीन जो है वो गैशिस स्टेट में एग्जिस्ट करता है क्लोरीन भी गैशिस स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे ब्रोमीन भी ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे और आयोडीन जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होता है अब रिलेटिव रिएक्टिविटीज इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देखेंगे तो हम देखेंगे इनमें से कौन सा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो ज्यादा है हम यहाँ पर इस तरह से स्टडी करेंगे अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास इनकी जो फ्री स्टेट होती है यानी कि ये जो हमारे पास इनकी फॉर्म है मोलिकुलर डायटोमिक मोलिकुलर फॉर्म है इसको हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या होती है इस स्टेट में ये क्या करते हैं एज ऑक्सीडेंट्स ये एक्ट कर रहे होते हैं ठीक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर देखेंगे कि इस तरह से दूसरों को ऑक्सीडाइज uh, कर देते हैं खुद रिड्यूस हो जाते हैं ठीक है जिस तरह से इसकी मिसाल हम इस तरह लेंगे कि अगर हम हेलोज को ओवरऑल किससे रिप्रेजेंट कर लें यहां पे हम एक्स से चल रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इसका किसी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन देखें लाइक like फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम है तो सोडियम मेटल के साथ एंड में से कोई सी भी हेलोजन है वो जब रिएक्ट करेगी तो क्या करेगी कि हम देखते हैं कि हमारे पास जो तो सोडियम है इसका ऐसे कंपाउंड बन जाता है इस सोडियम और हेल्ड्रोजन का ऐसे सोडियम हेलाइट बन जाएगा इस सोडियम हेलाइट में एक आयनिक कंपाउंड है और देखिए सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और हेलाइट पे नेगेटिव साइन होगा ठीक है इस तरह से होगा तो यहां पर अगर हम चाहें तो इस जनरल इक्वेशन को हम आ, बैलेंस भी कर लेते हैं ये बैलेंस इक्वेशन आ गई अब देखिए सोडियम पे पॉजिटिव साइन मतलब जीरो साइन से किसमें क्या पॉजिटिव साइन में यानी कि इसने क्या किया अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है इलेक्ट्रॉन लूज किसके लिए किया है हेलोजन के लिए और हेलोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन करके हेलाइट आइन बनाया यानी कि हेलोजन ने क्या किया कि सोडियम को ये जो हेलाइट का हेलोजन का मॉलिक्यूल था इसने सोडियम को ऑक्सीडाइज कर दिया खुद क्या हो गया रिड्यूस हो गया ठीक है तो ये हमारे पास इसकी हम कहते हैं कि इस तरह से रिएक्शंस आ जाते हैं अब यहाँ पर एक और चीज देखेंगे हम ये एक ऑर्डर अगर देखें कि हमने कहा ना किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है रिलेटिव रिएक्टिविटीज देखनी है ना हमने रिलेटिव तो रिलेटिव का मतलब ये है कि इनकी आपस में इनको कंपेयर करना है अब आपस में कंपेयर कर लेते हैं इसको कंपेयर करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन जिनपे डिपेंड करते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर ठीक है uh, power, तो uh, यहां पर हम देखेंगे फैक्टर्स ठीक है जो ऑक्सीडाइजिंग uh, पावर को अफेक्ट करेंगे ये फैक्टर्स हम देख लेते हैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जब पिक्युलर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन देखा था तो हमने देखा था कि लोड एसोसिएशन एनर्जी होती है फ्लोरीन की तो यहां पर एक चीज हम देखेंगे कि डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो मैटर करती है ठीक है तो डिसोसिएशन एनर्जी ई लिखेंगे एनर्जी के लिए और यहां पर हम लिख देंगे ऑफ हेलोजन मॉलिक्यूल ठीक है इस तरह से यानी कि एक हेलोजन मॉलिक्यूल का हेलोजन के मॉलिक्यूल से ब्रेक डाउन होकर यानी वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हेलोजन के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए इसके रिस्पेक्टिव एटम्स में जिस तरह से अगर फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है तो इसको तोड़ने के लिए किस में रिस्पेक्टिव एटम्स में यानी कि फ्लोरीन आ जाएगा एटम और फ्लोरिन एटम आ जाएगा ठीक है फिर हम ये देख लेते हैं कि अब डिसोसिएशन एनर्जी का इस इसपे क्या असर होता है ये अगर हम देखें तो होता ये है कि देखिए फ्लोरीन का हमने पढ़ा था कि इसकी बहुत लो डिसोसिएशन एनर्जी होती है इसके पिक्यूलर बिहेवियर में आ जाता है और उसकी वजह भी हमें पता है कि स्मॉल साइज होता है कि अगर ये आउटर मोस्ट शेल में बना रही हूं और इसके अंदर हमारे पास क्या है इसके अंदर हमारे पास सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं इसी तरह इसमें करीब एक और मोलिक्यूल सॉरी एटम मौजूद है इसका आउटर मोस्ट शेल है और इसके अंदर भी क्या है इसके अंदर भी सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो देखिए Uh, अब दोनों के न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियाई कहेंगे हम प्लुरल इसका न्यूक्लिया आ जाएगा तो ये क्या है करीब करीब है ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे ये सेवन इलेक्ट्रॉन्स भी दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे इस वजह से हम देखते हैं कि लो uh, एनर्जी uh, चाहिए कम एनर्जी चाहिए कि इसको इसके रिस्पेक्टिव एटम्स में अब डिसोसिएशन एनर्जी जब लो होगी हमारे पास तो हम देखते हैं कि क्या होता है कि ये एटम्स में जो आएंगे जो एटम्स होंगे ना ये आगे क्या करेंगे ऑक्सीडेशन पार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि इनको फॉरन से इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए ताकि ये फ्लोराइड आइन बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें इसके लिए हम देखते हैं कि फ्लोरीन क्या हुआ फ्लोरीन बहुत स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ ठीक है ये हमारे पास एक स्ट्रॉग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर हम डिसोसिएशन एनर्जी के लिहाज से देखें तो फ्लोरीन जो है वो सबसे स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन हमारे पास क्लोरीन आएगा क्योंकि साइज जो है वो इंक्रीज करता चला जाएगा डाउन द सीरीज जाएंगे ठीक है और इस तरह से फिर फाइनली हमारे पास सबसे कम इनमें से होती है आयोडीन की ठीक है तो ये हमारे पास क्या आ गया ये फैक्टर नंबर वन आ गया फैक्टर नंबर टू को डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम देख लेते हैं फैक्टर नंबर टू क्या है ये हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ठीक है यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर अपने एटम में शामिल कर लेने की एफिनिटी यानी कि एबिलिटी यानी कि कितनी ज्यादा सलाहियत है ठीक है कितनी ज्यादा एफिनिटी है इलेक्ट्रॉन के लिए यानी कितनी ज्यादा हम कहते हैं एफिनिटी मतलब के उसको अपने अंदर शामिल करने के लिए कितनी अट्रैक्शन उसके लिए एफिनिटी अट्रैक्शन से आ जाएगा ठीक है तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होती है किसकी ज्यादा है हम देखते हैं कि डाउन द सीरीज जाते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है यानी फ्लोरिन की सबसे ज्यादा ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अंदर इलेक्ट्रॉन को एड कर सकता है क्योंकि देखे ना न्यूक्लियस के करीब ही है बिल्कुल जो आउटर मोस्ट शेल है जिस तरह से हमने यहाँ पर दो एटम्स बनाए थे तो इनमें से किसी एक, एक एटम को देखिए आउटर मोस्ट शेल है और इसके अंदर क्या है सेवन इलेक्ट्रॉन है तो देखिए ये सेवन क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो इनको बहुत टाइट बाउंड किए ठीक है और टाइटली होल्ड किए हुए तो में यानी करीब करीबी अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको से न्यूक्लियस उसको भी खींच सकता है ठीक तो है, है तो हम देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरिन की सबसे ज्यादा है तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्योंकि फ्लोरिन की सबसे ज्यादा है इसलिए अगर इस फैक्टर पे देखें तब भी हमारे पास फ्लोरिन की सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर आ जाती है देन क्लोरिन की आ जाती है देन हमारे पास ब्रोमीन की आ जाती है और सबसे कम जो है वो किसकी है आयोडीन के मॉलिक्यूल की आ जाएगी ठीक है अब हम आ जाएंगे अपने फैक्टर नंबर थ्री पे फैक्टर नंबर थ्री क्या कहता है फैक्टर नंबर थ्री हमारे पास आ जाता है हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है ठीक है यहां पर हम देखेंगे हाइड्रेशन एनर्जी और इस पे किस तरह से डिपेंड करता है आयंस की हाइड्रेशन एनर्जी पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो हम कहते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके चार्ज टू साइज रेशो के ठीक है चार्ज टू साइज रेशो के अब देखें चार्ज तो सबका सेम है ठीक है फ्लोराइड आइन क्लोराइड आइन ब्रोमाइड आइन आयोडाइड आइन सब पे नेगेटिव वन साइन है ठीक है चार्ज एक ही है साइज चेंज है ना यानी डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हम तो क्या हो रहा है साइज इंक्रीज कर रहे हैं अगर साइज इंक्रीज करेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी ठीक है और हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करे तो ऑक्सीडाइज ऑक्सीडेशन पावर यानी के ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है वो क्या करती है वो डिक्रीज करती है तो हम यहां देखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो डिपेंड करती है किस पे वो डिपेंड करती है कि हाइड्रेशन एनर्जी कितनी है ठीक है अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी जिस तरह फ्लोरिन की सबसे ज्यादा क्योंकि साइज इसका छोटा होता है फ्लोराइड आइन का ठीक है इस तरह से हमने ये वाला फैक्टर भी देख लिया अब, अब फाइनल अपना एक फैक्टर देखेंगे फोर्थ वन ये हमारा लास्ट फैक्टर है ठीक है और इसको हम देखते हैं कि ये किस से ऑक्सीडाइजिंग पावर पे इफेक्ट करेगा ये हमारे पास आ जाता है हीट ऑफ वेपराइजेशन और ये सिर्फ हम देखते हैं कि ब्रोमीन और आयोडीन के लिए हम देखते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि क्लोरीन और फ्लोरीन तो ऑलरेडी हमारे पास किसम एग्जिस्ट कर रहे हैं वो गैश फॉर्म में या वेपर स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि ब्रोमीन की हमारे पास जो आयोडीन होती है ना इसकी हमारे पास हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होती है ब्रोमीन की कम होती है लेकिन हम देख रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग पार्ट जो होती है वो हम देखते हैं कि ब्रोमीन की ज्यादा होती है तो इससे हमें ये पता चलता है कि हीट ऑफ वेपराइजेशन जिसकी कम होगी यानी कि कम हीट चाहिए वेपराइज करने के लिए उसके ऑक्सीडाइजिंग पार्ट जो है वो ज्यादा होगी यानी कि इनवर्स रिलेशन आ जाएगा इन दोनों में ठीक है इस तरह से तो हमने यहां पर फैक्टर्स देखे जो इफेक्ट करेंगे ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यानी कि हेलोजेंस एज ऑक्सीडेंट रिलेटिव रिएक्टिविटीज इनकी और हमने देखा फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉग जो है वो ऑक्सीडेंट होता है यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है